हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन क्रो वंस अगेन। तो अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो लॉन्च हुई है। प्रोडक्ट का नाम है, जैसे हमें डायरेक्ट पढ़ लिया होगा, FT Aviator। इट इज़ ए कंट्रोलर, न्यू टाइप ऑफ कंट्रोलर जो कि DJI के ड्रोन के साथ काम करता है और काफ़ी ईजी बना देता है आपको कंट्रोल करने के लिए ड्रोन को। यूजली आप रिमोट से, जो कि इस तरह का होता है ऑलमोस्ट वीडियो गेम की तरह, जॉयस्टिक से हिलाते हुए कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ बनाई है, ये बनाई है एक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है स्कॉट पैरा जिंस्की, काफ़ी मुश्किल नाम है। तो ही इज़ ए मेडिकल डॉक्टर एंड ही इज़ एस्ट्रोनॉट। नासा की तरफ से 5 बार वो स्पेस शिप में जा चुके हैं स्पेस मिशन के ऊपर, एंड ही इज़ ड्रोन लवर लाइक अस। तो उसको भी एक था चस्का कि अरे यार, हम ही हैज़ फ्लोन स्पेसशिप्स, तो स्पेसशिप्स में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल्स होते हैं ताकि आपका जो कमांड्स हैं और आपका ब्रेन है, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे और टफ सिचुएशंस या जैसी मर्जी सिचुएशन ऊपर हो स्पेस में, तो आप अच्छे से अपने स्पेस शटल मतलब को कंट्रोल कर पाएँ। तो वही आइडियाज़ ये लेके आए हैं अपने इस ड्रोन को लेके, थैंक्स टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि एक आइडिया उनको आया। क्योंकि मैं पर्सनली भी, जब मैंने भी काफ़ी ड्रोन उड़ाया, आप भी उड़ाते होंगे और जी जो ड्रोन उड़ाते हैं उनको पता होगा कि ये जो फंडा है बिल्कुल मतलब बेसिक सा बनाया हुआ है, बट आप माने या ना माने, ये कहीं ना कहीं कमी लगती है कि आपको लगता है, फील होता है, क्योंकि जो मैंने इस कंट्रोल के बारे में पढ़ा है वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए ड्रोन उड़ाना और उसको सोफिस्टिकेशन से कंट्रोल करना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और सिनेमेटिक वीडियोस में और सिनेमेटिक शॉट्स में तो बहुत हेल्प करेगा वीडियोग्राफर्स की, सिनेमेटोग्राफर्स की, जब ये कंट्रोल आप ले लेंगे। और इंडिया में जब आएगा तो मैं आप बने चैनल के साथ आपको पता लग जाएगा और डेफिनेटली अनबॉक्सिंग हो पाएगी तो मैं ज़रूर करूँगा इस चैनल के ऊपर। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसके फीचर्स, इस कंट्रोल के फीचर्स, और कंट्रोल को कहा गया FT Aviator। तो फ्रेंड्स, इसमें है क्या, एक आपको स्टिक मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, और उस स्टिक में बड़े अच्छे से कंट्रोल दिए गए हैं जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, तो ये सिनेमेटिक शॉट्स को आपकी बहुत हेल्प करेंगे। उसमें बेसिकली सबसे बड़ा फंडा उसमें ये है, बड़ा सिर्फ आपके अंगूठे का और आपके जो इंडेक्स फिंगर है इसका यूज़ करेगा। उसमें एक पेन के बटन की तरह बटन लगा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। जैसे आप उसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, ड्रोन नीचे आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही नीचे से आप उसको पिस्तौल की तरह ऊपर करते हैं तो वो स्टिक ऊपर होती है तो ड्रोन ऊपर होने लग जाता है। तो इतना वन हैंड कंट्रोल है ऊपर नीचे करने का। उसके बाद उसमें पूरी आपको मोशन मिलेगा जिस तरह से आपने उसको करना है, और इसमें टैक्टिक फील्ड्स भी हैं ताकि जैसे ही ड्रोन रुकता है तो हल्का सा वो आपको झटका लगता था कि आपको पता लगे कि फील हो कि यस, प्लेन रुक, ड्रोन रुक गया है। बिल्कुल इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये पहले जैसे हम सिंपली अपने ड्रोन को रिमोट के साथ कनेक्ट करवाते हैं, वो करवाने के बाद आपको रिमोट से पहले उसको कनेक्ट कराना ड्रोन के, उसके बाद आपको इसको कनेक्ट करना है। बता रहा था, इसको प्रेस करने से नीचे जाता है और इसको नीचे बंदूक की तरह चलाने से ये ऊपर की तरफ आता है, और इस तरह से दाएं बाएं और ऊपर नीचे आप कर पाएंगे इससे। एंड ये इसका आपको डिटेल व्यू, ये देखिए हल्का सा घुमाने से ड्रोन घूम रहा है, पीछे आपको ड्रोन दिख रहा है बैकग्राउंड में। देखिए कितना इजी हो रहा है आपके लिए ड्रोन को मैनूवर करना, इससे राइट में करना है तो इसको राइट की तरफ घुमाइए तो राइट 360 हो जाएगा, ये देखिए। और ये इंडिकेटर आपको हेल्प करते हैं इसको फर्दर कंट्रोल्स को समझने के लिए, और जब आपने आगे लगाना है जस्ट आपको मूव करना है और ये आगे चला जाएगा, और जब ऊपर जाता है तो रेड आपकी LED ऑन हो जाते हैं ताकि आपको पता लगे कि वो एलिवेट भी हो रहा है और फॉरवर्ड जा रहा है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं आपको हेल्प करते हैं पूरा उसको समझने के लिए आपके कंट्रोल्स को। एक दो बार आपको स्क्रीन देखने पड़ेगी, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। तो ये है जॉयस्टिक FT फ्लू टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी की तरफ से। इसमें बस सारा कुछ बढ़िया लगा, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, वो आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको लगा कि नहीं, वो है इसका रिमोट कंट्रोल ऐसे साथ में आपको पकड़ना पड़ेगा, और अगर आपके पास कोई लंबी वायर है तो वो तब थोड़ा वो नीचे ज़मीन में रख सकते हैं, तो मतलब ये एक थोड़ा सा वो
काम जाम है जो आपको करना पड़ेगा साथ में रिमोट, क्योंकि हमेशा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि जो आपका ड्रोन है वो रिमोट से ही कनेक्टेड है और उसके साथ ये आपकी जॉयस्टिक है, सिर्फ आपके स्टिक्स का जो कंट्रोल है वो इसके ऊपर आ जाता है। तो आपको बाकी सब बढ़िया है, इसका कुछ जुगाड़ कर देते तो थोड़ा अच्छा रहता, अदरवाइज इट्स ए थम्स अप फ्रॉम माई साइड। काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है और आपको पूरे जहाज़ की फीलिंग देगी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट ए रिप्लेसमेंट और एक नया रिमोट कंट्रोल नहीं है, इट इज़ जस्ट एक आपकी जॉयस्टिक है एडिशनल जो आपको ईजी करती है ड्रोन उड़ाना, क्योंकि जो रिमोट के ऊपर जॉयस्टिक्स हैं उनका कंट्रोल जब इससे कनेक्ट होता है रिमोट तो वो कंट्रोल ये जॉयस्टिक ले लेती है। दैट्स इट, एक ये एडिशन है आपका आपकी कन्वेंस के लिए और ये रिप्लेसमेंट कतई ही नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, हो आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको कैसा लगा ये जॉयस्टिक, आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, क्या ये कारगर चीज़ है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बट ये जो तामझाम रिमोट वाला साथ में लटकाने वाला, उसको साइड में रखने वाला या दोनों चीज़ों को पकड़ के रखने वाला, वो थोड़ा मुश्किल है, बाकी अदरवाइज इससे गुद थे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये कैसा लगा प्रोडक्ट और आप इंडिया में आएगा तो लेंगे या नहीं। तो होगा आपको पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट लाइक एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।